हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय डियर सर, आज हम लोग इन द किंगडम ऑफ फूल्स का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समंड द ओनर ऑफ द हाउस। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा कि न्याय होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, एंड एट वंस समंड द ओनर ऑफ द हाउस, और राजा ने उस मकान के ओनर मालिक को बुलवाया। When the merchant arrived, जब व्यापारी आया, the king questioned him, राजा ने उससे प्रश्न किया, What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness, महाराज, मेरा अमुक नाम है। Such and such, your highness, महाराज, मेरा अमुक नाम है। Were you at home when the dead man burgled your house? जब मृत चोर ने तुम्हारे घर में चोरी की तो क्या तुम घर पर थे? जब मृत चोर ने तुम्हारे घर पर चोरी की थी तो क्या तुम घर पर थे? यस, हाँ माई लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। ही ब्रोक इन मतलब उसने दीवार में सेंध लगाई, कुमल लगाई, एंड द वॉल वॉज वीक, और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और वह उसके ऊपर गिर पड़ी। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, दोषी अपना अपराध स्वीकार करता है। योर वॉल किल्ड दिस मैंस ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा। योर वॉल, तुम्हारे दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी की हत्या की है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुमको सजा देनी पड़ेगी। लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय व्यापारी ने कहा, लॉर्ड, महाराज, मेरे स्वामी, आई डोंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार खड़ी की। आई डोंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार खड़ी नहीं की। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, वास्तव में दोष उस आदमी का है जिसने दीवार बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, वास्तव में यह गलती उस आदमी की है हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने उसको ठीक से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सजा देनी चाहिए। हु इज़ दैट, वह कौन है? माई लॉर्ड, वह कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, मेरे मालिक, महाराज, यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनवाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ
ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, वह अब वृद्ध हो गया है। ही लिव्स नियर बाई, वह पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉज। राजा ने संदेशवाहक को, मैसेंजर, संदेशवाहक को कहा जा रहा है, राजा ने संदेशवाहक को उस ब्रिकलेयर मतलब राज या मिस्त्री, राजा ने संदेशवाहक को उस राज को लाने के लिए भेजा, ब्रिंग लाने के लिए भेजा। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, उन वे उसके हाथ पैर बांधकर ले आए, वे उसके हाथ पैर बांधकर ले आए। यू देयर, अच्छा तुम हो। डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने ही इस आदमी की दीवार इसके पिता के समय में बनाई थी, क्या तुमने ही इस आदमी की दीवार, इस आदमी की दीवार इसके पिता के समय में बनाई थी। यस माय लॉर्ड आई डिड, हाँ मेरे स्वामी मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, वह दीवार किस प्रकार बनाई थी, वह दीवार किस प्रकार बनाई थी, दैट व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, वह दीवार किस प्रकार बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, जो तुमने बनाई थी वह एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हमें तुमको मृत्यु दंड देना पड़ेगा, हमें तुमको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। बिफोर यू, बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा मृत्यु दंड का आदेश देता, इससे पहले कि राजा मृत्यु दंड का आदेश देता, एग्जीक्यूशन मृत्यु दंड का आदेश देता, द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, गरीब राज ने विनती की। राज, ब्रिक लेयर, राज, उस गरीब राज ने प्लीडेड विनती की। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव मी योर ऑर्डर, अपना आदेश देने से पहले मेरी बात सुनने की कृपा करें। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, यह सही है कि मैंने दीवार बनवाई है। एंड इट वॉज नो गुड, और वह अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, पर उसका कारण यह है कि मेरा मन उसमें नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग एंड आई कुडंट कीप माई आइज। आई रिमेंबर, मुझे अच्छी तरह से याद है। आई रिमेंबर वेरी वेल,
अ डांसिंग गर्ल, एक नर्तकी, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, एक नर्तकी उस गली से होकर सारे दिन, एक नर्तकी उस गली से होकर सारे दिन अपने पैरों में घुंघरू बजाती हुई, चारों दिन अपने पैरों में एंकलेट्स पैरों में घुंघरू बजाती हुई आती जाती थी। आई कुडंट कीप माई आई, और मैं अपनी आँखों, कह रहे हैं कि उस समय अपनी आँखें या मन नहीं लगा सकता था, कह रहे हैं उस समय अपनी आँखें या मन नहीं लगा सकता था। मैं जो दीवार बना रहा था उस पर मैं अपनी आँखें या मन माइंड नहीं लगा सकता था। आई वॉज बिल्डिंग, जो दीवार में बना रहा था उस पर मैं अपनी आँखें और मन नहीं लगा सकता था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस नर्तकी को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ वह जहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम ठीक करे हो। द केस डिपेंस, यह मामला गंभीर होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। लुक इन टू मीन्स जांच पड़ताल करना, हमें इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे जटिल मामलों का निर्णय देना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, मतलब ऐसे जटिल मामलों का निर्णय देना आसान नहीं है। लेट्स गेट द डांसर, हम उस नर्तकी को बुलाएं। वेयर एवर सी इज, चाहे वह कहीं भी रहती हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, नर्तकी जो अब वृद्ध स्त्री हो गई थी, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, कांपती हुई दरबार में आई। डिड यू वॉल अप एंड डाउन द स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो, क्या जब यह गरीब आदमी दीवार बना रहा था, क्या यह गरीब आदमी जब दीवार बना रहा था तो तुम बहुत वर्षों पहले, मेनी ईयर्स एगो, बहुत वर्षों पहले गली में आया जाया करती थी, क्या तुमने उसको देखा था। देखिए, डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा था। यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह से स्मरण है, याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो तुमने अपने घुंघरू बजाते हुए आया जाया करती थी। यू वॉकड अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, इस तरह तुम अपने घुंघरू बजाते हुए आया जाया करती थी। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम युवा थी और तुमने उसका ध्यान हटाया। यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुमने उसका ध्यान हटाया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, उसने खराब दीवार बनाई। इट हैज फॉलन ऑन पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, वह एक गरीब
चोर के ऊपर गिर पड़ी। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, वह एक गरीब चोर के ऊपर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुमको सजा मिलेगी। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। सी थॉट फॉर अ मोमेंट, उसने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, वेट, रुक जाइए, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। आई नो नाउ, मैं जानती हूँ, मुझे याद आया कि मैं उस गली से क्यों आया जाया करती थी। आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद आया कि मैं उस गली से क्यों आया जाया करती थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने सुनार को कुछ आभूषण बनाने के लिए सोना दिया था। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने सुनार को कुछ सोना दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, अर्थात मैं उस गली में क्यों आया जाया करती थी। मैंने सुनार को कुछ आभूषण बनाने के लिए सोना दिया था। ही वॉज लेजी स्काउंड्रेल, वह एक सुस्त बदमाश था। स्काउंड्रेल बदमाश। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, वह बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, वह कहता था कि अब आभूषण दे देगा, थोड़ी देर बाद दे देगा, सारे दिन ऐसा करता रहा। इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, सारे दिन वह ऐसा करता रहा, अब दे देगा तब दे देगा। ही मेड मी वॉक अप, ही मेड मी वॉक अप, उसने मुझे अपने घर, ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम, वह अपने घर एक दर्जन चक्कर कटवाए। उसने मुझे अपने घर के एक दर्जन चक्कर कटवाए। दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, उस समय इस राज ने मुझे देखा था। उस समय इस राज ने, ब्रिकलेयर ने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, यह मेरा दोष नहीं है। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, वह तो उस दुष्ट सुनार की गलती है। यह उस दुष्ट सुनार का दोष है। पुअर थिंग्स, सी इज एब्सोल्युटली राइट। पुअर थिंग्स, सी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस। द पुअर थिंग्स, मतलब गरीब औरत पूर्णतया ठीक कहती है। गरीब औरत एब्सोल्युटली राइट, मतलब पूर्णतया, पूरी तरह से वह ठीक कहती है। थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस, राजा ने सोचा, उसने साक्षी का आकलन किया। वीव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट,
हम अंतोगत्वा वास्तविक अपराधी पा गए। गेट द गोल्डस्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस, उस सुनार को बुलाओ। गेट द गोल्डस्मिथ, उस सुनार को बुलाओ, वह जहाँ भी छिपा हुआ है, हाइडिंग, वह जहाँ भी छिपा हुआ हो, एट वंस एकदम बुलाओ। द किंग्स बैरिस्ट सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। द किंग्स बैलिप्स रिच्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के बैलिप्स का सेंस है न्यायालय के कनिष्ठ अधिकारीगण, ठीक है, बैलिप्स मीन्स होता है न्यायालय के कनिष्ठ अधिकारीगण। द किंग्स बैलिप्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के बेलिफो ने सुनार की खोजबीन की, राजा के बेलिफो ने सुनार की खोजबीन की। हु वॉज हाइडिंग इन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के एक कोने में छिपा हुआ था, कोने में छिपा हुआ था, हाइडिंग। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने विरुद्ध इल्जाम सुना। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, एक्यूजेशन में से इल्जाम, जब उसने अपने विरुद्ध इल्जाम सुना। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसने अपनी ही कहानी सुनानी पड़ी, उसको अपनी ही, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसको अपनी ही कहानी सुनानी पड़ी। माई लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, ही सेड उसने कहा, मेरे स्वामी, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, इट इज़ ट्रू, यह सत्य है कि मैंने नर्तकी को बहुत बार अपने दरवाजे पर बुलाया, यह सही है कि मैंने नर्तकी को बहुत बार, कई बार अपने दरवाजे पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। देखिए, आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने कई बार बहानेबाजी किया, क्योंकि आई कुड फिनिश मेकिंग द हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मुझे धनी व्यापारी का ऑर्डर पहले समाप्त करना था। आई फिनिश्ड द रिच मैंस ऑर्डर, धनी व्यापारी का ऑर्डर पहले समाप्त करना था। दे हैड वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, उनके यहाँ शादी होने वाली थी। दे हैड वेडिंग, वेडिंग मीन्स शादी, उनके यहाँ शादी होने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानते हैं कि धनी लोग कितने बेसब्र होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, कितने बेसब्र होते हैं। हु इज द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रैक्टेड दिस
bricklayer which made a mess of his wall, which has not fallen, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? Who is this rich man? वह अमीर व्यापारी कौन है? Who kept you from finishing this poor woman's jewelry? जिसने तुमको इस गरीब स्त्री के आभूषण पूरा करने से रोका? जिसने तुमको इस गरीब स्त्री के आभूषण पूरा करने से रोका? Made her walk up and down. उसको आने जाने के लिए विवश किया. Which distracted this bricklayer. जिसने राज का ध्यान दीवार बनाने से हटाया. जिसने राज का ध्यान दीवार बनाने से हटाया. Which made mess of his wall. Which has now fallen on innocent man. और इससे उस दीवार का बेड़ा गर्क हो गया, दीवार कमज़ोर हो गया. एंड किल्ड हिम. अब एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिरा और उसको मार दिया. फॉलन एन इनोसेंट मैन. एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिरा एंड किल्ड हिम. उसे मार दिया. कैन यू नेम हिम? क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट. सुनार ने व्यापारी का नाम बताया. द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट. व्यापारी ने द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट. सुनार ने व्यापारी का नाम बताया. एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. और वह और कोई नहीं बल्कि उस मकान का मालिक था जिसने मकान की दीवार गिर गई थी. ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. वह उस मकान का मालिक था जिसकी दीवार उसके ऊपर गिर गई थी. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल. अब न्याय का पूरा चक्र हो गया है. थॉट द किंग. राजा ने सोचा. बैक टू द मर्चेंट. व्हेन ही वॉज रूडली summoned back to the court, he arrived crying. न्याय वापस व्यापारी के पास चला गया. It wasn't me, but my father was ordered the jewelry. तब वह बताता है कि यह उसकी गलती नहीं है. मैंने आभूषण बनाने का ऑर्डर नहीं दिया था. इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी. मैंने आभूषण बनाने का ऑर्डर नहीं दिया था बल्कि मेरे पिता ने आभूषण बनवाने का ऑर्डर दिया था. हु ऑर्डर्ड माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी. मेरे पिताजी ने आभूषण बनाने का ऑर्डर दिया था. ही इज़ डेड आई एम इनोसेंट. वह मर चुके हैं. आई एम इनोसेंट. मैं निरापराध हूँ. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली. लेकिन राजा ने अपने मंत्री से परामर्श लिया
और सोच समझ कर निर्णय दिया, और सोच समझ करके निर्णय दिया। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, यह बात सत्य है कि तुम्हारा पिता वास्तविक हत्यारा है। ही इज़ डेड, वह मर चुका है। बट समबॉडी मस्ट बी पनिश्ड इन द प्लेस, पर उसके स्थान पर किसी को तो दंड मिलना ही है। यू इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने अपने अपराधी पिता से पैतृक संपत्ति के रूप में सब कुछ प्राप्त किया है। तुमने अपने उस अपराधी पिता से पैतृक संपत्ति के रूप में सब कुछ प्राप्त किया है। हिज रिच एज वेल एज हिज सिंस, उसकी धन दौलत और उसके पाप भी। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू दैट यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। इट न्यू एट वंस, मैं एकदम समझ गया था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, जब मैं पहली बार तुम पर दृष्टि डाली थी, दैट यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि आप इस भयंकर अपराध की जड़ हो। मैं तुरंत ही जान गया था कि तुम इस भयंकर अपराध की जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड द ऑर्डर अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूजन, एंड द ऑर्डर अ न्यू स्टेक, मतलब राजा ने मृत्यु दंड के लिए एक नई सूली तैयार करने का आदेश दिया। राजा ने मृत्यु दंड के लिए एक नई सूली तैयार करने का आदेश दिया। देखिए स्टेक, स्टेक दिया है, स्टेक का सेंस यहाँ पर सूली से है। एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक, जैसे ही नौकरों ने सूली की धार लगाई, एज द सर्वेंट्स शार्पेंड धार लगाई द स्टेक, सूली की, जैसे ही नौकरों ने सूली की धार लगाई, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पाइलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और उसको अपराधी के मृत्यु दंड के लिए अंतिम रूप से तैयार किया। रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ क्रिमिनल, और उन्होंने अपराधी को अंतिम रूप से तैयार किया। इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थीन टू बी प्रॉपरली, मंत्री के मस्तिष्क में बात आई, मंत्री के मस्तिष्क में बात आई कि धनी आदमी इतना पतला है। द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थीन, धनी आदमी इतना पतला है कि उसको ठीक प्रकार से सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। देखिए रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थीन टू बी प्रॉपरली एक्सक्यूजेड ऑन द स्टेक, यानी वह व्यापारी इतना दुबला पतला है कि उसे सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट, ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस।
मंत्री ने राजा से विवेकपूर्ण यह अपील की। मंत्री ने राजा से विवेकपूर्ण यह अपील की, यह प्रार्थना की। द किंग वॉज टू वरीड अबाउट इट। राजा भी इसके लिए चिंतित हुआ। राजा भी इसके लिए चिंतित हुआ।